गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडेज टॉपिक इज केयर ऑफ चाइल्ड विथ फीवर. ओके, सो बेसिकली चिल्ड्रंस में क्या होता है कि न्यू इन्फेंट्स में, चिल्ड्रंस में फीवर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो मींस कि फीवर क्या होता है, फीवर को डिजीज़ नहीं है बल्कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है जिस बहुत सारी कंडीशंस की वजह से, जिसमें जैसे इन्फेक्शन की वजह से. ठीक है, ये हमारी बॉडी मींस कि जो रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, तो वो शो कर रही है मींस कि बच्चे में फ़ीवर हो रहा है मींस. और बच्चे में फ़ीवर के ज़्यादा कॉजेज इसलिए भी हैं, एक ये भी है कि उन बच्चों में जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि इन्फेक्शन से बचाती हैं, वो अभी मैच्योर नहीं भी होती हैं. इसलिए कोई भी छोटा सा इन्फेक्शन होने से ही फीवर यहाँ पे आ जाता है बेबी को. ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बच्चे का वो मेनली 99.78 तक होता है. मींस कि 99 भी बच्चे में नॉर्मली होता है. बेसिकली जो होते हैं बच्चे को टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है, लेकिन अगर 100 से अबव है मींस कि तब फीवर को वो इंडिकेट करता है. ठीक है, तो द फीवर का जो मोस्ट कॉमन कॉज है चिल्ड्रंस में वो इन्फेक्शन होता है. ये इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल, कोई भी इन्फेक्शन बच्चे में अगर होगा तो वो फीवर को कॉज करता है. ठीक है, सेकेंड, अब कि अगर बेबी को फीवर है तो उसके मेजरमेंट की साइट कौन कौन से, जहाँ से आप फिर टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो फीवर के टेम्परेचर को चेक करने के लिए बेसिकली यहाँ पे साइट्स होती हैं. एक तो ओरली चेक करते हैं, जिसमें कि मर्करी फ्री रेक्टल टेम्परेचर जिसको बोलते हैं. ठीक है, और टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल जिसको एयर में प्लेस करके चेक करते हैं. ठीक है, और टेम्पोरल एरिया में. ठीक है, एयर थर्मामीटर होता है और मर्करी थर्मामीटर जिसको बोलते हैं. तो साइट्स जो होती हैं, एक तो ओरल होती है जिसको टंग के बिलो हम प्लेस करते हैं, दूसरी होती है आर्म पिट जिसको, ठीक है, आर्म पिट होता है. ठीक है, तीसरी होती है रेक्टल. ठीक है, रेक्टल एरिया में जो एनाल एरिया होता है वहाँ पे थर्मामीटर को प्लेस करते हैं. ठीक है, तो तीन तरीके से हम टेम्परेचर को यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो इन्फेंट्स जो कि थर्मामीटर को होल्ड नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत जो बहुत यंग छोटे होते हैं, जैसे कि इन्फेंट्स चिल्ड्रन जो बिलो 1 ईयर हैं. ठीक है, तो वो अदरवाइज़ अगर हम उनको टंग में प्लेस करेंगे तो उसको बाइट कर सकते हैं, और उसमें मर्करी होती है जो कि काफ़ी पॉइजनस होती है. ठीक है, तो ऐसे बच्चों में टेम्परेचर मेनली आर्मपिट में रख के या फिर रेक्टल एरिया में हम रख के चेक कर सकते हैं. ठीक है, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 99.5 फारेनहाइट से ज़्यादा है, ठीक है, तब मीन्स कि ये कंसर्न होता है पेरेंट्स के लिए कि हाँ चाइल्ड बीमार है. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर रेक्टल में भी ज़्यादा आ रहा है, आर्म पिट में भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसके बाद हम फिर रेक्टल में चेक करते हैं, रेक्टल एरिया में टेम्परेचर को चेक करते हैं. देन इसके बाद है, अब किस कंडीशन में बच्चे को फीवर कब ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और किस में नहीं होती है. सो बेसिकली अगर जैसे अगर लेस देन 3 महीने से कम का बच्चा अगर है और उसका रेक्टल टेम्परेचर 100.4 डिग्री आ रहा है, ठीक है, मींस कि 100 से ज़्यादा है, तो बेसिकली रेक्टल एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रेक्टल एरिया होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा आता है. ठीक है, तो अगर लेकिन फिर भी 100.4 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा है, तब मींस कि अब बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. ठीक है, अगर लेस देन 3 महीने से कम बच्चे में इतना ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है तो. और चिल्ड्रन हु आर 3 मंथ्स टू 3 ईयर, जो 3 मंथ से 3 साल तक के हैं, ठीक है, जिनका टेम्परेचर 100.0 डिग्री फारेनहाइट है, ठीक है, मींस कि 2-3 दिन 2 या 3 डे से इतना ही है उनका टेम्परेचर, और जो कि बाकी अदर चीज़ें अगर फीवर बच्चे में है तो उसके साथ साथ बच्चा बहुत एजिटेटेड होगा, ठीक है, इरीटेटेड होगा, किसी भी तरीके से मिल्क को रिफ्यूज़ करेगा, नहीं लेगा, तो ये सब फीवर के साथ साथ जो अगर अदर चीज़ें दिख रही हैं, अगर ये सब कुछ है मींस कि तब बच्चे को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ऑफ जैसे भी किसी भी तरीके से ओरल से, लो रेक्टल से या फिर एयर से टेम्परेचर लेने पर 100.4 से ज़्यादा है, तो ये वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये कंसर्न का ही मैटर होता है. ठीक है, और इसके साथ साथ अगर बच्चे की बॉडी में क्यों न्यू रैसेस दिख रहे हैं कोई, ठीक है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. देन इसके बाद किस कंडीशन में ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, मोस्ट केसेस में ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि फीवर खुद ही सबसेट हो जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर अ चाइल्ड ओल्डर देन 3 मंथ, ठीक है, 3 महीने से कम का बच्चा है और उसका रेक्टल टेम्परेचर 100.0 डिग्री फारेनहाइट है और अदरवाइज़ वो हेल्दी दिख रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती. क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि जब बच्चा 3 मंथ 6 मंथ में होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा ही होता है. ठीक है,
देन इसके बाद है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली फीवर के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे मेडिसिन मिल देते हैं बच्चे को, ठीक है। जो ड्रग यहाँ पे चॉइस है या ड्रग का चॉइस मेडिकेशन वो है एसिटामिनोफेन, ठीक है। तो ये जो एसिटामिनोफेन होती है, टाइलिनोल जिसको बोलते हैं, ये सिरप फॉर्म में भी आती है, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है। तो बच्चों में मेनली सिरप वाली फॉर्म इसको यूज़ करते हैं। तो ये ड्रग है, इसको देते हैं, इसको भी बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग देना है। जैसे ये 160 mg पर 5 ml होती है, ठीक है, बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग हम देंगे। तो वेट के अगर वेट ज़्यादा है तब मीन्स कि अब बच्चे की हम ड्रग को 5 ml में लिए है, ठीक है, 160 mg इसमें है और 5 ml, हर 5 ml में ये टोटल है आपकी 120 ml की आपको बोतल दिख रही है, ठीक है सर। ये ओरल सस्पेंशन है, ओरली इसको भी लाते हैं बच्चे को, ये 120 ml की है। तो इसके हर 5 ml में 160 mg है, ठीक है। तो अगर बच्चे का वेट 10 kg है या फिर 5 kg है, 10 kg है, इस बीच में है, तो मींस कि हम क्या करेंगे, 5 ml देंगे या 5 ml से कम देंगे। तो वेट जितना ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज को बढ़ाते रहते हैं। तो ये ड्रग है एसिटामिनोफेन, जो बच्चों को फीवर के लिए दी जाती है। इसके टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, मींस कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बच्चे को अगर इसकी डोज ज़्यादा देंगे तो तब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कब नहीं देते हैं, 4 to 6 hours के बाद इसको आप दे सकते हैं, रिपीडेडली दे सकते हैं, 4 to 6 hours में के गैप में इसको आप दे सकते हैं। लेकिन मोर देन 5 times, लेकिन 24 घंटे में 5 बार से ज़्यादा इसको नहीं देना है इस दवाई को, ठीक है। और जो भी 3 महीने से कम एज के बच्चे हैं उनमें भी विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के इसको नहीं देना है। देन इसके बाद है इंक्रीज फ्लूड। तो फीवर का एक साइन होता है कि जब भी फीवर होता है तो एक तरीके से डिहाइड्रेशन बॉडी में होने लगता है, ठीक है, फ्लूड्स की कमी होने लगती है बच्चे को, क्योंकि फीवर की वजह से बच्चा ज़्यादा क्राई करता है। ज़्यादा क्राई करने से क्या होता है कि उसकी कैलोरीज तो वैसे ही बर्न हो जाती हैं और उसको बॉडी में फ्लूड्स की भी नीड होती है। तो उसके लिए फ्लूड्स को इंक्रीज़ करना है उसके, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी है तो फ्लूड्स को नहीं ले सकता, तो मीन्स कि उसको ब्रेस्ट मिल ज़्यादा देना है, ठीक है, मदर मिल ज़्यादा देना है। और अगर बेबी फ्लूट्स को ले सकता है तो उसको, जैसे टोडलर्स है या प्री स्कूल चिल्ड्रंस है, तो उसमें हम कंडीशन में क्या कर सकते हैं, फ्लूट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन रेस्ट, सो रेस्ट एक फीवर का लिए बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे अगर चाइल्ड टायर्ड है या फिर एक्यूज को पेन हो रहा है तब इस कंडीशन में उसको हम रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चिल्ड्रंस देन स्पंजिंग एंड बाथिंग, तो मेनली क्या करते हैं कि पेरेंट्स स्पंजिंग एंड बाथिंग नॉर्मली अगर थोड़ा सा भी जो एक टेक्निक होती है कि स्किन को टच करके फीवर को आइडेंटिफाई करना, ये रॉन्ग टेक्निक है। इस क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, टॉडलर्स जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी बॉडी वॉर्मी होती है, तो ये शो नहीं करता है कि उन्हें फीवर है। तो इसी कंडीशन में स्पंजिंग या फिर बाथिंग ये नहीं करनी है, ये मेनली बच्चों में यहाँ पे हम अवॉइड ही करते हैं। तो अगर फीवर के साइंस दिख रहे हैं, बॉडी बेबी टाइट फील कर रहा है या फिर वो काफ़ी क्राई कर रहा है, एजिटेटेड है, इरीटेटेड है, तो उस कंडीशन में हमने फीवर को चेक करना है। कैसे, जो टेम्परेचर मेजरमेंट्स के साइट्स होती है वहाँ पे थर्मामीटर की हेल्प से टेम्परेचर को चेक करना है। देन इसके बाद में अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, बेबी को, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट था फीवर का, ठीक है। मेडिकेशन से एसिटामिनोफेन मैंने आपको बताई, दूसरा फ्लूड्स को इंक्रीज़ करना है, रेस्ट देना है, स्पंजिंग एंड बाथिंग, और न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, तो यहाँ पे ब्रेस्ट मिल्क को उसको ज़्यादा देना है, ठीक है।